ये है न्यूज नेब डिजिटल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज नेब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तारीख 19 जुलाई 2019 सारण जिले का नाम आज पूरे देश में गूंज रहा है। वहीं पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं ताबड़तोड़ हो रही हैं। आज इस फहरिस्त में सारण जिले का नाम भी जुड़ गया, जब सुबह सुबह बनियापुर प्रखंड के पिठौरी गांव नंदलाल टोला के समीप तीन लोगों को चोरी के शक में बेरहमी से पीट पीट कर मारा गया, जिसमें दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक ने मौत से लड़ते हुए सदर अस्पताल छपरा में दम तोड़ा। मरने वालों में एक व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित था जिसका नाम नौशाद आलम था, बाकी दो के नाम राजू नट और विदेश नट हैं। अभी तक मॉब लिंचिंग को धार्मिक दृष्टिकोण से एक पक्षीय रूप से देखा जाता था, लेकिन सारण में हुई मॉब लिंचिंग की इस घटना ने ये दर्शा दिया कि हमारा समाज हिंसक मनोवृत्ति से ग्रस्त हो चुका है और जब वो अपनी शैतानी फितरत में आता है तो वो इंसान धर्म जाति जानवर को भी नहीं बख्शता। ऐसी घटनाएं आप पहले भी देख चुके हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जिस गाँव में मॉब लिंचिंग की घटना हुई वहाँ विगत दो दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी। वहीं बीती रात 3 बजे के करीब मॉब लिंचिंग के शिकार तीन व्यक्ति पिकअप गाड़ी से मवेशी, लकड़ी और अन्य सामान लाने के लिए घटनास्थल वाले गांव पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। घटना के बाद जब पुलिस और मीडिया को सूचना मिली तो जिले में हड़कंप मच गया। बनियापुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों और घायल नौशाद को अपनी कस्टडी में ले लिया। आनंद फानंद में छपरा सदर अस्पताल पहुंचे, जहां घायल नौशाद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन भी तुरंत सदर अस्पताल जा पहुंचे। भीड़ को बढ़ती देख सदर अस्पताल को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। परिजनों ने जब उग्रता दिखाकर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की तो पुलिस ने अपना दायित्व लाठीचार्ज कर पूरा कर दिया और महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उन्हें सदर अस्पताल से बाहर कर दिया। पोस्टमार्टम रूम के बाहर सड़क पर मृतक के परिजन घंटों जमीन पर लौटते हुए रोते बिलखते रहे, पर मानवीय संवेदनाएं तो जैसे इस देश में पहले ही मर चुकी हैं, दम तोड़ चुकी हैं, बाकी सब तो अपनी ड्यूटी करने में लगे थे। वहीं सारण के बड़े अधिकारियों ने भी परिवार को सांत्वना देने की जरूरत जहमत नहीं उठाई और न ही पीड़ितों को अभी तक मुआवजा देने की कोई बात की है। 4-5 घंटे रोने बिलखने के बाद सदर SDO की उपस्थिति में मामले के ऊपर FIR दर्ज कर 4-5 लोगों को नामजद किया गया है, वहीं कई अज्ञात लोगों का भी नाम दिया गया है। इस मामले में गिरफ्तारियां तो होती रहेंगी, पर सवाल ये है कि हमारा समाज क्षणिक रूप से एवं हिंसक मनोवृत्ति का शिकार हो गया है या किसी लंबी प्रक्रिया का हिस्सा चल रहा है। जो भी हो, इस मुद्दे पर पूरे देश में लगातार बहस और चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण न्याय में देरी, कानून व्यवस्था को लागू करने में सरकारों की अक्षमता प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। बाकी हमारे समाज में तो अलगाव पहले से ही दिखता रहा है। चोरी एक सामाजिक समस्या है जिसका निदान मॉब लिंचिंग नहीं हो सकता और न ही नफरत से आपसी भेदभाव को दूर किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि अगर हम आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, पर बुद्ध और गांधी का ये देश नकारात्मक विचारों से लड़ते लड़ते लगता है खुद ही उसका शिकार बन गया है। समय आत्मशुद्धि और कठोर निर्णयों को लेने का आ चुका है, बाकी हमारे देश में ऐसे निंदनीय और घृणित घटनाएं दोबारा न हो सके। दिवाकर मिश्रा, न्यूज नेट सारण ब्यूरो। पुलिस जेंट्स, पुलिस जेंट्स लोग लेडीज पे हल्ला नहीं चलाया, सब अमानवीय व्यवहार किया गया सबके साथ। नौशाद नाम है, वो पिकअप उसी का है, पिकअप चलाता है, लोग जा रहा था अपना कुछ खरीदने बैठने, फिर के लोग चोर चोर कह के मार दिया। सुबह 5 बजे हम लोगों को घटना का पता चला, 5 बजे भोर में पुलिस को खबर किया गया है, पुलिस जब मार हो रहा था तब पुलिस को खबर किया गया। क्या बताया गया हम लोग को? कोई मैंने न्यूज मिला है कि भेड़ के मार रहा है, कॉल आया हमने 3 चोर को पकड़ लिया। पिठौरी पंचायत का सरपंच राजकुमार नाम है, वही इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमने
तो चोर को पकड़ लिया, तब हम लोगों को पता लगा है, हम थाना पर गए थे। राजकुमार राम नाम बताया है कि एक मुन्ना नाम करके है, थाना पर रहते हैं। जल्दी से प्रशासन को भेजिए, 300 चोर को हमने पकड़ करके रखा है। अच्छा ठीक जी। उसके बाद में ही हम लोग गए हैं, पता किए हैं, तो दो आदमी का उसमें मर्डर हो गया है। तीनों मर गया, दूसरा भी मर गया, तीनों मर गया। क्या नाम है? ये लोग कहाँ के रहने वाले, पहचानो? पैगम्बरपुर के रहने वाले हैं, बनियापुर थाना, नौशाद आलम, राजू नाथ, विदेश नाथ, विदेश। करते क्या थे, माने कुछ काम करते थे क्या? काम अपना गाड़ी रखे हुए हैं, कहीं जा रहे थे कुछ बारह वारह के लिए। सुबह में वो 5 बजे के करीब में जा रहे थे। अब चोर चोर हल्ला करके कहा तो यहाँ बकरी चोरी या हुआ है, तो कुछ लोग कह रहा है कि मोटर पानी वाला मोटर चोरी हुआ है, यही लोग है कह करके मारने लगे। हम लोग पहुँचते पहुँचते थाना पर इधर उधर, तो जब तक की घटना भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिराज अहमद। किया गया है,